भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रीवा की जिला अध्यक्ष मनीषा पाठक एवं महिला मोर्चे की अन्य महिलाओं के साथ आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला सिरमौर चौराहे पर जलाया गया। इस संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जहां पूरा देश महिलाओं के सम्मान में अनेकों प्रकार के आयोजन कर रहा था और उन्हें सम्मानित करने का काम किया, वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ट्रैक्टर में बैठकर ट्रैक्टर को महिलाओं द्वारा खिंचवाया जा रहा था, जो झूठी लोकप्रियता पाने के लिए उनके द्वारा ऐसा निंदनीय कृत्य किया गया है। महिलाओं का कहना था कि राजनीति के लिए यदि वे महिला को बिठाकर स्वयं ट्रैक्टर खींचते तो शायद ये महिलाओं का सम्मान होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं आता, जिसका परिणाम भी वो भोग रहे हैं। आगे आक्रोशित महिलाओं द्वारा ये भी कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। इस सिद्धांत को भूलने के कारण ही महिलाओं के श्राप लगने से कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की सुश्री सुनीता पटेल, उर्मिला द्विवेदी, सुमन शुक्ला, वीणा शुक्ला, साधना पटेल, रीता पांडे और मनीषा पांडे उपस्थित रहीं। प्रस्तुत है मनीषा पाठक से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। मार्च को जहां पूरा देश नारी का सम्मान कर रहा था, वही हरियाणा में एक विरोध प्रदर्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा ट्रैक्टर में बैठ करके महिलाओं को धक्का देने के लिए कहा गया, जिसमें संपूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ है। अगर आपको विरोध करना था तो आप महिलाओं को बैठाते और फिर आप उसको धक्का देते तो एक शोभनीय बात होती कि आप महिला का सम्मान भी कर रहे हो। तो इस प्रकार से समस्त नारी जाति का अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, उसी के विरोध में आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धरना दिया गया।